इतनी खतरनाक आवाज आ रही है गाड़ी की। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम राइड करने वाले हैं अपनी खुद की N160 का, जो कि मैंने रिसेंटली परचेस करी। अभी 800 प्लस किलोमीटर्स चल चुकी है, टू बी प्रिसाइज 840 किलोमीटर्स। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, गाड़ी में क्या क्या मिलता है हमें, क्या क्या फीचर्स है, कैसा फील होता है इसको चलाने में, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चालू करके बता देता हूँ आपको, एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और चलिए सबसे पहले अब आपको इनिशियल रन बता देते एक बार गाड़ी का। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पंच बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। मतलब जो लो एंड होता है ना, लो एंड और मिड एंड, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बाइक में। और टायर्स हमें काफ़ी ज़्यादा फैटी टायर्स मिल जाते हैं, जिनकी बात मैं आगे जाके करूँगा। बट इस बाइक में मुझे जो पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो है इसका एग्जॉस्ट नॉट। मतलब आप थंब सुन सकते हो, आपको वीडियो में कितनी क्लियर आवाज़ आ रही है वो मुझे नहीं पता, बट ये देखो आप, मतलब जरा सा थ्रॉटल खींचते ही ना गाड़ी हवा से बातें करने लग जाती है। और ये जो निडल ऊपर जाने का फील है ना यार, ये तो एक राइडर समझ सकता है कि ये क्या होता है। मतलब फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं है। यही सब रीज़न थे कि मुझे बजाज की गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि बजाज में ही मिलता है ये। अब मैं आपको एक और बार इसका एग्जॉस्ट नोट बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, और इसकी ट्रैफिक फ्लिकरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देखो, इस तरीके से इजीली मैनेज हो जाती, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो यार, इस सेगमेंट में जैसे NS 160 भी आती है, अपाचे 160 भी आती है, तो उनका माइलेज रहता है 40 to 45 के अप्रॉक्स। बट यार इसके माइलेज की मैं बात करूँ, जब से मैंने इसको लिया है, मुझे इस गाड़ी ने ना 50 प्लस का ही माइलेज दिया है। तो मतलब लिटरली इतने अच्छे लुक्स, इतनी प्यारी पावर और इतना अच्छा माइलेज मिलके काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो मैंने ये एक महीने पहले ख़रीदी है, और मुझे पड़ी है ये ऑन रोड 1,58,000 की, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, जो एक ओवरऑल पैकेज प्रोवाइड करती ना उस सबको लेके। और एक और इसकी अच्छी बात यह है कि आप मिरर का व्यू देखोगे ना, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा कैमरा ऊपर लगा होगा, बट मेरी आईज से देखोगे तो सिर्फ इतना पोर्शन जो है ना वो कवर्ड रहता है मेरे हाथों से, बाकी पीछे की पूरी विजिबिलिटी देता है ये मिरर। तो मिरर काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है इसके, कई गाड़ियों जैसे नहीं कि सिर्फ नाम के मिरर से, फंक्शनलिटी भी है मिरर्स की। और सिटी में जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर बाइक है, तो इधर उधर मनूवर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको। और इसका एग्जॉस्ट नोट तो यार अलग ही लेवल पे चलता है, लिटरली छोटे छोटे फटाके छोड़ती है, ये आप देख सकते हो 70, 80, 100 तो ये ऐसे टच करती है। और अब अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें सबसे अच्छे जो बात लगी मुझे, फर्स्ट इन द सेगमेंट लगी, वो है कि इसका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ना, वो आपको लगता है कि एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, बट लिटरली उसका रात में थ्रो जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। मैं आपको उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो मुझे कम्प्लीट करना रहेगा रात के पहले, नहीं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मतलब लिटरली आप अगर 100-200 मीटर दूर भी खड़े हैं ना, तो आपको है ना, आप घास में से कॉइन ढूंढ सकते हैं, इस लेवल की लाइट है। मैंने इसको साइड बाय साइड RS 200 के साथ में भी रख के कंपेयर करा, उसमें दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं, बट उसकी लाइट से ज़्यादा पावरफुल इसका सिर्फ एक प्रोजेक्टर लैम्प है। मतलब इतना मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना थ्रो होगा इसका। और अब अगर बात करें इसके टायर्स की, टायर्स यार इसमें ना हमें
100 सेक्शन के फ्रंट में मिलते हैं और रियर में मिलता है 130 सेक्शन का। ये आप देख सकते हैं इतना लीन होके चला सकते हैं गाड़ी को, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा लीन वगैरह करता नहीं हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव राइडिंग वगैरह भी अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। टायर्स की मैं बात कर रहा था, तो रियर में हमें 130 सेक्शन का इसमें टायर देखने को मिल जाता है और काफ़ी फैट टायर है इस बॉडी टाइप के हिसाब से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 140 या 150 चाहिए था, वो थोड़े अगर आप हायर सेगमेंट में जा रहे हैं ना तो ही मैं सजेस्ट करूँगा, नहीं तो फालतू माइलेज गिरता है लुक्स के चक्कर में सिर्फ। बाकी मुझे तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट लगती है, पावर मिल जाता है मुझे, लुक्स मिल जाता है, फीचर्स मिल जाते हैं, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा एकदम मॉडर्न वाला मिलता है, एनालॉग प्लस डिजिटल का हमें कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बात करें स्विच गियर्स की ना, तो यहाँ पर इसमें वाइट कलर की रात में बैकलाइट जलती है तो वो तो एक अलग ही प्रीमियम फील देती है यार। मतलब किसी के भी पास से निकालो ना तो वो साउंड से ही बंदा रिएक्शन देने लग जाता है। मतलब साउंड तो इतने नेक्स्ट लेवल है ना इस गाड़ी के कि क्या ही बोलूँ मैं। जैसे अब अगर ये लाइन है, मैं यहाँ पे अगर खींच, ये आप देख सकते हैं कि कितने रिएक्शंस मिलते हैं मुझे। फिर और दोस्तों यही था मेरा इस वीडियो में। आपको इस बाइक से रिलेटेड अगर और भी कोई कंटेंट देखने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हो, क्योंकि अब गाड़ी अपनी ही है, इस पर रेगुलर कंटेंट आते रहेंगे, वाइब्रेशन टेस्ट, नाइट लाइट का टेस्ट और इतने 1000 रिव्यूज़, मतलब इतने किलोमीटर चलने के बाद कैसा परफॉर्मेंस है गाड़ी का, वो सब मैं आपको मेरे चैनल पर बताता रहूँगा। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक चलिए एंड करते हैं रियो के साथ, और ब्रेकिंग भी बता देता हूँ मैं आपको। खतरनाक आवाज आ रही गाड़ी की।